सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। देखिए आरडी शर्मा के हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ज़रा इसके वीडियो अपलोड करने का तरीका अलग अलग है। कई किसी वीडियो में एक क्वेश्चन, किसी में दो क्वेश्चन, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, इस प्रकार से, क्योंकि एक साथ आप करेंगे तो आप जानते हैं उसमें एक एक्सरसाइज में 70 क्वेश्चन है। अब 70 क्वेश्चन का अगर हम पापा वीडियो बनाएँ तो एक क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट का समय लेता है समझाने में, तो 700 मिनट चाहिए 10 घंटे का, और 10 घंटे कोई स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं तो सर्च करना पड़ेगा, डिंग 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 ढूंढते फिरोगे, तो आप ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए हमने वीडियो को बाइफरकेट किया है। क्योंकि न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन में क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए हम एक साथ वीडियो नहीं बना रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन बता रहे हैं। तो उस श्रृंखला में ये अच्छा एक बात है कि जैसे आपने ये वीडियो देखा, हो सकता है ये आपको लगे कि 7 दिन पहले का है और उसके बाद वाला क्वेश्चन 10 दिन पहले का है। चूँकि एनसीईआरटी के वीडियो बने हुए हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आरडी शर्मा में है वो हमने उसको ब्रेक करके इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। तो डेज आगे पीछे हो सकते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो पहले तो मैथमेटिकल इंडक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, पहले जो इंट्रोडक्शन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ठीक है। 12.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि भाई आप कोई फार्मूला है वो प्रूफ करना चाहते हैं, तो आप उसे प्रूफ नहीं करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे कि जो फार्मूला है वो सही है या गलत है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लिया कि 1+2+3 up to n इज इक्वल टू n+1/2 है, ठीक है। तो हमने कहा ये बताओ, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करो। क्या मतलब होता है बता चुके हैं हम, ने बताया, आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तब आप यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन मान लिया आप इसको समझना चाहते हैं, देखिए दो तरीके इसके हैं। इसको देख करके आपको पहचान में आ रहा होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, है? अब इसके nth टर्म का सम आप जानते हैं, n बाई टू 2a + n-1d, फार्मूला अप्लाई कर दो, आपको फार्मूला मिल जाएगा। हम ऐसी 10-20 सीरीज के क्वेश्चन आपको दे दें और हम कहें प्रूफ करो, तो पहले सीरीज पहचानो, उसमें हालत ख़राब। तो हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो एन की अलग अलग वैल्यू रख करके वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के तीन स्टेजेस यहाँ पर होंगे। पहले वन के लिए हम प्रूफ करेंगे सही है, फिर के लिए हम मान लेंगे सही है, प्रूफ नहीं करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद की वैल्यू के प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप लेंगे फॉर एन इज इक्वल टू वन, फॉर एन इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू वन के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो सीरीज है वो सही है कि नहीं है। सही है मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं सेम है। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो वन का मतलब एक स्टेप, तो वन आएगा। और अगर राइट हैंड साइड में हम n को वन लिखते हैं तो आएगा वन, वन प्लस वन अपान टू, ये भी वन आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट, गिवेन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन, यानी n इज इक्वल टू वन के लिए सही है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन अपलोड होंगे, दोनों में इस नहीं लिखेंगे, एक में लिखेंगे। जिसमें सिंगल क्वेश्चन होगा उसमें तो लिखना ही पड़ेगा ना। स्टेप टू के लिए हम क्या करते हैं, अब आप कहेंगे टू के लिए चेक कर लो, टू मतलब दो स्टेप, तीन के लिए चेक कर लो, चार के लिए कर लो, पाँच के लिए कर लो, पेपर में कुछ नहीं आ रहा 50 तक चेक कर लो, लेकिन मजबूरी है ना। आपने टू के लिए चेक किया, चलिए LHS RHS सही है, थ्री के लिए किया, फोर के लिए किया, और आपने कहा इसी प्रकार से सभी वैल्यू के लिए सही है। हमने कहा नहीं भैया, 50 के बाद ये वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ये तरीका आप नहीं करेंगे। एक जनरल रास्ते में वैल्यू लेंगे के, और मान लेंगे कि उस पर ये स्टेटमेंट सही है, प्रूफ नहीं करना, ये सही मान लेते हैं कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए सही मान लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं n को k लिख देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होंगे, मतलब होंगे, तो ये क्या आएगा, 1+2+3 up to so on + k इज इक्वल टू k इंटू के प्लस वन बाई टू, ये सही है, ये आपने पहले से मान लिया है, प्रूफ नहीं किया, ठीक है। अब k के जस्ट बाद कौन सी वैल्यू आएगी, k प्लस वन। अब ये भाई साहब तो बैरिकेटिंग लगाए नहीं, इन्होंने कहा कि गाड़ी में माल सही जाने दो, हमने फ़ोन किया इनसे k को, भैया सब कुछ सही है, बोले हाँ सब सही है। तो अब हम जस्ट इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, k से एक बड़ा, यानी कि k प्लस वन, हम अब k प्लस वन के लिए प्रूफ करेंगे सही है कि नहीं है इसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो स्टेप थ्री क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन,
अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में हम एन की जगह के प्लस वन लिख देंगे और इक्वेशन नंबर टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं सेम है। तो हमने एक चीज बताई थी, अब आप कहेंगे पहला क्वेश्चन बताई कहाँ थी, मतलब एनसीईआरटी का वीडियो उसमें है, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा कि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं एन को के प्लस वन दोनों साइड लिख देते हैं, तो भी सही है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो और राइट हैंड साइड भी लिख दो और लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करो और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसका एलएचएस लेके चल रहे हैं और वहाँ एन को के प्लस वन लिखेंगे, हम यही करते हैं, टेकिंग एलएचएस, आरएचएस में अपने आप आ जाएगा, टेकिंग एलएचएस फॉर ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हम एलएचएस लेते हैं, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं जरा, यहाँ लिखेंगे क्योंकि राइटिंग गंदी है इसलिए बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, इसलिए जगह ज़्यादा चाहिए, इसके लिए ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ती है। देखो एन को के प्लस वन लिख रहे हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा के प्लस वन, और इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा के, क्योंकि एक एक उधर बढ़ रहा है इधर एक कम हो जाएगा। जरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो क्या लिखा है, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के, वन प्लस टू प्लस अप टू के की वैल्यू क्या है, के प्लस वन है, इसी का तो यूज़ करना है आपको, यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन टू, सॉरी, तो यहाँ क्या ले सकते हैं, के के प्लस वन बाई टू प्लस के प्लस वन। अब इसको सॉल्व करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि राइट हैंड साइड में जब एन को के प्लस वन लिखेंगे तो आएगा क्या, देखो यहाँ पर के प्लस वन लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा के प्लस वन, अगले ब्रैकेट में आएगा के प्लस टू अपान टू, तो ये चीज़ अगर आ जाए तो हम कहेंगे ये के प्लस वन के लिए सही है, कैलकुलेट किया जाए, अपान वन है ना, यहाँ पर क्या करिए के प्लस वन ले लीजिए कॉमन तो आएगा के बाई टू प्लस वन, एलसीएम ले लीजिएगा तो आएगा के प्लस वन के प्लस टू बाई टू। अब बताइए अगर मैं एन को के प्लस वन लिखता तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होते कि नहीं होते, हो रहे ना, यानी इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो गिवन, इन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, अगर हम सीरीज ना बोलें, सीरीज बोलेंगे तो सीरीज पहचाननी पड़ेगी और सीरीज पहचानने के बाद में आपको उसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम इसको एक स्टेटमेंट मान के चल रहे हैं कि भाई जिस टाइप की सीरीज हो काहे के लिए इसका हम नाम लें, हम उसको वेरीफाई किए दे रहे हैं, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, ये एन की हर वैल्यू के लिए सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस इसी वीडियो में कर रहा हूँ, तो इसमें ये चीज़ हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर अब टू एन स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ी हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो सीरीजेज पढ़ाई गई होंगी उसमें ये पढ़ाया गया है, इसका डेरिवेशन भी बताया गया है या अभी बताया जाएगा, ठीक है, एलेवेंथ में आएगा, हाँ सॉरी एलेवेंथ में आएगा ना, तो इसके पहले पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको सीरीज नहीं पहचाननी है, हमको वेरीफाई करना है। तो वही तरीका, स्टेप वन फॉर एन इज इक्वल टू वन, एलएचएस क्या आएगा, एलएचएस आएगा वन स्क्वायर बोले तो वन, आरएचएस क्या आएगा, आरएचएस में एन को वन लिखो तो यहाँ आएगा वन ब्रैकेट में वन प्लस वन ब्रैकेट में टू प्लस वन बाई सिक्स, तो आएगा टू इंटू थ्री बाई सिक्स इज इक्वल टू वन। तो आपने क्या देखा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो गिवेन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। आप स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं, सीरीज भी कह सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हमने कहा रास्ते में एक वैल्यू मान लेंगे एन, लेट फॉर
एन इज इक्वल टू के, ये ट्रू मान लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू के स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा के, के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई सिक्स। इसका इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये भाई साहब ने इस सीरीज को चेक नहीं किया है, इन्होंने कहा सही है, इसके जस्ट बाद बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है, इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेक करेंगे। तो स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे, स्टेप थ्री में फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, जैसा हमने बताया कि बहुत लोग दोनों साइड में एन को के प्लस वन लिख सकते हैं, लिख सकते हो, हम एलएचएस में लिख करके आरएचएस में लेके आते हैं। तो टेकिंग एलएचएस ऑफ इक्वेशन वन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन और एन को के प्लस वन लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये आएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर और लास्ट में आएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर। सही कहा मैंने, गड़बड़ कहा, सही कहा, इसके पहले क्या आएगा, के प्लस वन सा एक कम के, यहाँ के स्क्वायर आएगा ना, अल्टीमेटली यही आना है, क्योंकि हमको इसके जस्ट बाद की सीरीज ली है, तो इसके जस्ट पहले यही भाई साहब होंगे ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए क्या लिखा है, पूरा है, इसका यूज कर दो, यूजिंग इक्वेशन टू, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी लिखेंगे के, के प्लस वन, टू के प्लस वन बाय सिक्स प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। अब जरा सावधान, अब पहले आप ये चेक कर लो कि अगर हम राइट हैंड साइड में एन को के प्लस वन लिखते तो वैल्यू आती क्या, देखो यहाँ के प्लस वन लिखते तो यहाँ के प्लस वन आती कि आता, आता, यहाँ के प्लस वन लिखते तो यहाँ के प्लस वन आता, यहाँ क्या आता, टू के प्लस वन प्लस वन तो टू के प्लस थ्री, यहाँ टू के प्लस थ्री आता। तो ये तीन चीज़ें हमको चाहिए और पाँच सिक्स चाहिए, ठीक है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए ना कि हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, देखिए इसमें ऊपर से हमने क्या किया, ऊपर से के प्लस वन कॉमन ले लिया, चलिए आ भी गया के प्लस वन आ गया, कॉमन ले लिया ना, अरे वाह, तो बचेगा क्या, यहाँ के बचेगा, यहाँ टू के प्लस वन बचेगा, अपान सिक्स बचेगा, प्लस एक के प्लस वन बचेगा, है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो यह है के प्लस वन, यहाँ सिक्स ले लो एलसीएम, ब्रैकेट खोल दो, तो आएगा टू के स्क्वायर प्लस के प्लस सिक्स के प्लस सिक्स अपान सिक्स, अपान में सिक्स भी आ गया। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा, के प्लस वन यह आएगा टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स, अभी देखते हैं, अपान सिक्स, इसके फैक्टर करिएगा, क्या तरीका होगा, छः दूनी बारह, बारह के ऐसे टुकड़े जिनका सम सेवन के बराबर हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है आपने छोटे क्लास में, तो क्या आएगा, चार तीन बारह, यानी सेवन को क्या ले सकते हैं, फोर प्लस थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन, इसको खोलेंगे तो आएगा टू के स्क्वायर प्लस ये आएगा फोर के प्लस थ्री के प्लस सिक्स होल अपान सिक्स। फैक्टर करने आपको आने चाहिए, अब आप कहेंगे फैक्टर करने भी हमको आने चाहिए, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी चाहिए, होल स्क्वायर भी हमको आना चाहिए, तो भाई साहब काहे के लिए वीडियो बना रहे हो, हमको सब आता है, नहीं नहीं इतना तो हम समझा भी रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। देखिए ये के प्लस वन लिखा रहने दीजिए, देखो यहाँ से टू के कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, के प्लस टू, यहाँ से थ्री कॉमन ले लीजिएगा क्या बचेगा, के प्लस टू अपान सिक्स। देखिए के प्लस वन यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, के प्लस टू, अंदर क्या बचेगा, टू के प्लस थ्री। अब बताइए आपको लाना क्या था, आपका रिजल्ट वही तो लाना था जो हम चेक लेके आए हैं, इज इक्वल टू आर एच एस, तो जो स्टेटमेंट इसके पहले क्वेश्चन में लिखा है ना, सो इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन ऑल्सो, सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस का सलूशन हुआ है।